चाहूंगा। राहुल हमारे साथ डॉक्टर साहब भी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर रजनीश मेदांता हॉस्पिटल से, उनको भी फ्रेम में दिखाएं। शमान की भी आ चुकी हैं। बड़ी खबर साइबर रिपोर्ट पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान, बड़ी खबर, साइबर अटैक का खतरा पूरे भारत पर है। अनिल देशमुख ने कहा गंभीर मसले पर केंद्रीय मंत्री आर के सिंह से हुई चर्चा। अश्विनी मेरे साथ है, अश्विनी पूरी खबर बताएं। जी देखिए, कुछ देर पहले ही विधान भवन में गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बयान दिया और साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से कल शाम को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि किस तरह से साइबर अटैक हुआ है और साइबर महाराष्ट्र की जो साइबर टीम है उन्होंने फाइंडिंग जो उनकी आई है उसके बाद आर के सिंह जो स्टेट पावर मिनिस्टर हैं इंडिपेंडेंट, उन्होंने आज सुबह जो है बातचीत की है अनिल देशमुख से और जो कुछ भी बातें अनिल देशमुख ने उन्हें बताई हैं उस पर उन्होंने भी हामी भरी और कहा है कि हाँ आप जो बातें बता रहे हैं ये सही है और इसको लेकर हम पूरी तरह से अलर्ट हैं। साथ ही अनिल देशमुख ने यह भी कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि लगातार इस बात का जिक्र किया जाता रहा है विपक्ष द्वारा, खासतौर पर महाराष्ट्र में, कि जो पावर ग्रिड फेलियर हुआ वो सिर्फ उसे छुपाने के लिए, कर्मचारियों की बात छुपाने के लिए अब उसे साइबर अटैक की बात कही जा रही है। यही वजह है कि अब मैं एक बड़ी खबर में आ रहा हूं, पॉइंट टेकन। कुमार कुंदन मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मुझे पता है कि भारत की तरफ से इस खबर पे डिनायल आ गया है लेकिन मैं इस खबर को रॉयटर्स के हवाले से बार बार बता रहा हूँ। डॉक्टर रजनीश के पास भी मैं आ रहा हूँ। भारत से छिड़े चीन का एक और धोखे का खुलासा, चीनी हैकर्स ने सीरम और भारत बायोटेक को बनाया निशाना। हैकर्स ने की कोरोना टीके के फॉर्मूले को चुराने की कोशिश, साइबर इंटेलिजेंस फर्म साई फार्मा के हवाले से रॉयटर्स का खुलासा, चीन ने भारतीय वैक्सीन कंपनियों के आईटी सिस्टम को टारगेट किया। कुमार कुंदन बहुत बड़ी खबर है, यानी कि वो वैक्सीन वॉर हार रहे हैं इसलिए अब ऐसी हरकत पर आ गए। निश्चित रूप से सरकारी तौर पर इस पूरे मामले का बेशक खंडन किया जा रहा है लेकिन जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से जब से यह वैक्सीनेशन प्रोग्राम खास करके शुरू हुआ है उसके बाद से ही इस तरह के अटैक देखे जा रहे हैं और यहां तक कहा जा रहा है कि कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप को भी टारगेट किया जा रहा है क्योंकि इसको अगर हैक कर लिया जाए तो उस तरीके से वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा जिस तरीके से हो रहा है। पहली बात। दूसरी बात, जो फार्मूला है, जिस तरीके का फार्मूला भारतीय वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने ईजाद किया कोरोना की वैक्सीन बनाने में, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और पूरी दुनिया में उसकी वाहवाही हो रही है। शायद यही वजह है कि उसको भी फार्मूला को चुराने के लिए और उस पर अटैक करने के लिए साइबर हमले की कोशिश की जा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पे फिर कहना चाहूँगा कि इस पर सरकार कुछ नहीं कह रही लेकिन हाँ दबी जुबान से सब जरूर कह रहे हैं कि ये हमला चाइनीज हैकर की तरफ से हुआ है। आप जो बता रहे हैं अपने आप में बहुत हैरान करने वाली खबर है, बहुत बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।